लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं डेल इंस्पिरॉन 5635 लैपटॉप जो डेल ने हाल ही में लॉन्च किया है राइजन 5 7000 सीरीज प्रोसेसर के साथ। आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे, इसके रिव्यूज करेंगे और इसकी कॉन्फिगरेशन भी देखेंगे। और कहीं मत जाइएगा, हम लैपटॉप को ओपन करके भी यानी बैक पैनल ओपन करके भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी हम इसी तरीके से वीडियोस लेके आते रहेंगे, नए नए लैपटॉप्स की जो भी लॉन्चिंग होंगी हम कोशिश करेंगे सभी लैपटॉप को आपको ओपन करके भी दिखाएं। तो देखते हैं आज है जो हमारे पास लैपटॉप है वो है डेल का इंस्पिरॉन 5635। इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों लैपटॉप हमने ओपन कर लिया है। एज यूजुअल लैपटॉप के अंदर जो मिलता है आपका मैनुअल मिलता है लैपटॉप का, साथ में प्रीमियम पावर कोड और 65 वाट का पावर एडेप्टर। 16 इंची का लैपटॉप है लेकिन डेल ने इसमें भी 65 वाट का ही पावर एडेप्टर दिया है। तो दोस्तों देखते हैं लैपटॉप। मैं आपको बता दूं ये लैपटॉप 16 इंची का है। नॉर्मली जो मार्केट में आपको लैपटॉप देखते हैं या तो 14 इंचेस के होते हैं या 15.6 इंचेस के होते हैं। डेल ने ये लैपटॉप 16 इंचेस में लॉन्च किया है। हमने पहले भी 3000 सीरीज की वीडियो बनाई थी डेल की, जो डेल ने राइजन 3 और राइजन 5 7000 में लॉन्च किया था। ये 5000 के अंदर 16 इंची के अंदर लॉन्च किया है। अगर हम लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी देखते हैं तो बिल्ड क्वालिटी काफी बेटर है 16 इंची के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे जैसे लैपटॉप बड़ा होता है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ओपन करके देखते हैं हम। मैं इसमें एक चीज बता दूं जो मैंने अभी देखा इसे ओपन करके, 16 इंची का लैपटॉप है लेकिन ये याद रखिएगा इसका जो कीबोर्ड है वो न्यूमेरिक नहीं है। अभी हम कीबोर्ड की भी आपको डिटेल दिखाएंगे लेकिन मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता देता हूं, इसका जो कीबोर्ड है वो 16 इंची का कीबोर्ड तो जरूर है, फुल साइज कीबोर्ड है, की ट्रैवलिंग स्पेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन न्यूमेरिक कीपैड नहीं है। क्योंकि ये आमतौर पे देखा जाता है कि 15 इंच या इससे ऊपर का लैपटॉप होता है तो उसमें न्यूमेरिक कीपैड होता है। लैपटॉप की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो मेटल बॉडी में लैपटॉप आता है, बिल्ड क्वालिटी 16 इंच के अकॉर्डिंग अच्छी है। हम इसका बैक पैनल देखते हैं, वेंट काफी अच्छे हैं, यहाँ पे आपको वेंट दिखाई देंगे। लेकिन मुझे लैपटॉप के अंदर एक ड्रॉबैक दिखाई दिया जब मैं इसको ओपन कर रहा था, तो मोस्टली हर लैपटॉप के अंदर डेल के हर लैपटॉप में भी यहाँ पे सेंटर से ओपन करने के लिए एक थोड़ा स्पेस होता है कि आप यहाँ से इजीली ओपन कर सकें, क्योंकि लैपटॉप को कभी भी साइड से ओपन नहीं करना चाहिए। कभी भी आप साइड से ओपन करेंगे तो लैपटॉप के हिंजेस खराब हो जाते हैं। मैं इसमें देख रहा हूँ इसमें कोई भी स्पेस नहीं दिया है, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है इस लैपटॉप का। अगर यहाँ पे इजिली हो जाता तो स्पेस होता तो लैपटॉप इजिली ओपन हो जाता। और एक चीज और डेल ने इसमें दी है, लिड ओपन करते ही आपका लैपटॉप अपने आप ओपन हो जाएगा। मोस्टली ये लेनोवो के लैपटॉप्स में फीचर्स आता था, अब ये डेल ने भी देना स्टार्ट कर दिया है। आपने लिड ओपन किया, लैपटॉप ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। अगर आपने फिंगरप्रिंट लॉक नहीं लगा रखा तो पूरा विंडोज ओपन हो जाएगा। और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो आपका कीबोर्ड में ही पावर बटन में दे रखा है। इसमें आपको फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड मिलता है विदाउट न्यूमेरिक कीपैड। इसमें आपको न्यूमेरिक कीपैड नहीं मिलेगा, इसमें आपको फिंगरप्रिंट रीडर मिलता है जो पावर बटन पे ही आपको मिल जाता है। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सबसे पहले आप पोर्ट देखते हैं यूनिवर्सल ऑडियो जैक 3.5 mm का, जिसके साथ आप स्पीकर एक्सटर्नल स्पीकर और हेडफोन आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको दिखाई देगा यूएसबी 3.2 और आपको साथ में दिखाता है एक एसडी कार्ड रीडर। लैपटॉप के राइट साइड में देखते हैं सबसे पहले जो पोर्ट्स आपको डेल देता है वो है चार्जिंग का, लैपटॉप चार्ज करने के लिए। उसके बाद आपको मिलता है HDMI 1.4, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्टर या LED TV, कोई भी आप डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक मिलता है USB 3.2, साथ में आपको मिलता है USB 3.2 Type-C पोर्ट। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन, उसमें सबसे पहले आता है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इस लैपटॉप में आपको AMD Ryzen 5 7530U प्रोसेसर मिलेगा, जिसकी बेस स्पीड 2 GHz होती है और टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ये आपको 4.5 GHz तक मिलता है। अगर हम इसके कोर्स की बात करेंगे तो 6 फिजिकल कोर यानी 6 कोर्स आपको मिलते हैं, यानी अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो 12 आपको मिलते हैं, यानी थ्रेड्स आपको 12 मिलेंगे और L3 कैश मिलेगी आपको
16 MB। अगर हम मेमोरी की बात करेंगे, इसकी जो स्पीड है, मेमोरी है जो इसमें, मेमोरी 8 GB की है, उसकी जो स्पीड है वो 4266 MHz की है, यानी 4266 MHz की 8 GB की इसमें मेमोरी लगी हुई है। LPDDR4 आपको रैम इसमें मिलती है। ये रैम कभी भी अपग्रेड नहीं होती है, लैपटॉप आपको खोल के दिखाएंगे, ऑनबोर्ड रैम होती है ये, हमेशा याद रखिएगा। DDR4 रैम जो 3200 MHz के साथ आती है वो आप अपग्रेड कर सकते हैं, LPDDR4 रैम आप कभी अपग्रेड नहीं कर सकते। इसमें दो स्लॉट है, दोनों यूज्ड हैं, यानी दो चिप लगी हुई है 4 GB की। अगर हम SSD की बात करेंगे तो आपको इसके अंदर 512 GB की SSD मिलती है, और कैपेसिटी जिसको, जो आपकी वर्किंग करने की कैपेसिटी होती है, वो 477 GB होती है। हम वाईफाई की बात करेंगे तो वाईफाई आपको इसमें 6E मिलेगा, आप 5G राउटर लगाएंगे और स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्राफिक्स की आप बात करते हैं तो इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स मिलता है, जैसे कि हम अब तक हमेशा कहते आए हैं AMD के प्रोसेसर में अपने डेडिकेटेड GPU मेमोरी होती है, जो इंटेल के प्रोसेसर में नहीं होती। 512 MB की आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी मिलती है, जो प्रोसेसर में होती है, अलग से कोई चिप उसमें नहीं होती है। शेयर्ड GPU मेमोरी भी होती है, अगर 8 GB की रैम है तो 3.7 GB की आपको शेयर्ड GPU मेमोरी मिलेगी। अगर आप इसमें रैम अपग्रेड कर देंगे 8 से 16 कर देंगे तो शेयर GPU आपकी वो भी डबल हो जाएगी। अभी जो लैपटॉप डेल आपको देता है वो 512 डेडिकेटेड और 3.7 शेयर के साथ टोटल ग्राफिक्स आपको मिलता है 4.2 GB। डेल इसमें 16 इंच का आपको स्क्रीन देता है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 16:10 है। फुल HD स्क्रीन है, जिसका रेजोल्यूशन आपको 1920x1200 मिलेगा। इसको हम फुल HD प्लस कह सकते हैं। एंटी ग्लेयर होता है, नॉन टच स्क्रीन आपको मिलती है। WVA डिस्प्ले विद कंफर्ट व्यू आपको इसके अंदर मिलता है। कैमरे की बात करेंगे तो फुल HD 1080p आपको इसमें वेबकैम मिलता है, विद डुअल डिजिटल माइक्रोफोन एरे एंड टेम्पल नॉइस रिडक्शन के साथ। इसके अंदर आपको शटर भी मिलेगा, अगर आपको कैमरा यूज नहीं करना तो आप इस कैमरे को शटर लगा के लॉक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं और देखते हैं लैपटॉप में कहां कहां कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। तो दोस्तों, अगर हम लैपटॉप को देखेंगे तो आपको बड़ा ही क्लीन दिखाई दे रहा होगा। अभी लॉन्च हुआ है और ब्रांड न्यू लैपटॉप हमने आपके सामने ओपन किया है और उसका बैक पैनल हम आपको ओपन करके दिखाया। तो चलिए देखते हैं पार्ट्स। ये है हमारा प्रोसेसर, जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन के साथ। फैन हमेशा इसलिए दूर लगा होता है क्योंकि आज की डेट में लैपटॉप को इतना थिन कर दिया गया है कि अगर हम यहाँ पे फैन को प्रोसेसर के ऊपर लगाया जाएगा तो लैपटॉप की जो थिकनेस है वो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ मदरबोर्ड खत्म हो जाता है, उसके बाद जो स्पेस बचता है वहां पे फैन को कंपनी ने लगाया है। यहाँ हमारा फैन है। अगर हम रैम की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी रैम लगी हुई है, इसको हम ओपन करते हैं तो इसके नीचे देखेंगे सिर्फ स्टिकर है। यहाँ पे रैम ऑन बोर्ड है, जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते। LPDDR4 रैम 8 GB की वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। यहाँ आप देखेंगे यहाँ हमारी SSD लगी हुई है। SSD को आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो करंट SSD लगी हुई है उसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप नई SSD लगा पाएंगे। आप एक्स्ट्रा SSD लगाने का इसमें कोई भी स्लॉट या कोई भी स्पेस नहीं दिया हुआ। यहाँ हमारा Wi-Fi 6E है, ये हमारी बैटरी है। अगर आप देखेंगे जितना एक पोर्शन है उतना ही ऑलमोस्ट एक बैटरी ने ले रखा है। बैटरी की अगर बात करूंगा मैं तो 4 सेल की बैटरी है और 54 वर्क आवर्स के साथ। हम बैकअप की बात करेंगे तो मोस्टली 8 से 9 घंटे के आसपास इसका बैटरी बैकअप हमें मिल जाना चाहिए। 16 इंच की स्क्रीन है, डिपेंड आपके काम पे पड़ेगा। किसी का जो वर्किंग, अगर आप हैवी वर्क कर रहे हैं तो उसमें बैटरी बैकअप 5 से 6 घंटे ही आपको मिलेगा। अगर हम स्पीकर्स की देखेंगे तो यहाँ पे हमारे स्पीकर्स लगे हुए हैं, काफी बड़े स्पीकर्स हैं। जो हमने देखे थे कीबोर्ड के साथ में आपको दिख रहा था, वो दोनों ही स्पीकर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। आज हमने लैपटॉप को अनबॉक्स किया, 5635 को डेल इंस्पिरॉन राइजन 5 7000 प्रोसेसर के साथ है। सबसे बड़ी बात, 16 इंची का लैपटॉप है, जो 3000 सीरीज में आता है वो 15.6 इंच के साथ है और ये 16 इंची के साथ है। अच्छा, 16 इंची के साथ भी मेरे को एक बड़ा इसमें अच्छा बेनिफिट दिखाई दिया। इसके जो बेजल हैं स्क्रीन के बहुत ही नैरो हैं। अगर आप देखेंगे बहुत नैरो बेजल के साथ ये लैपटॉप आपको मिलता है। आप नहीं कह पाएंगे कि ये 16 इंची का है, मोस्टली 15 इंचेस में ही या 15.6 इंचेस में ही आपको इसको इसकी फील आएगी। बेसिकली है ये 16 इंचेस के अंदर। तो देखिए, आज हमने इसको आपको ओपन करके दिखाया, बैक पैनल भी ओपन करके देखा। हमने बैक पैनल ओपन करके देखा तो उसमें
आपने देखा कि रैम आप इसमें अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि LPDDR4 रैम इसमें आपको मिलती है। अगर हम बात करेंगे आपके यूसेज की, देखिए Ryzen 5 7000 प्रोसेसर है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स भी आ जाता है आपको 512 MB का। अगर आप इसमें वर्किंग करना चाहेंगे तो आप इसमें अगर कोडिंग करना चाहेंगे आप कोडिंग करना कर सकते हैं, आप इसमें एडिटिंग करना चाहेंगे आप एडिटिंग कर सकते हैं। बहुत हाई एडिटिंग आप नहीं कर पाएंगे, जो 4K एडिटिंग होती है, 1080p अगर आप एडिटिंग करना चाहें तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। अगर आप बेसिक गेम्स करना खेलना चाहेंगे, बेसिक के अलावा भी जैसे NFS वगैरह होती है आप इसमें प्ले कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको इसमें मजा नहीं आएगा अगर आप हाई गेम्स खेलेंगे क्योंकि इसमें जो ग्राफिक्स है वो 512 MB का ही है। अगर जो गेम्स 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप इस लैपटॉप को बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इसके अलावा आप जो भी काम करना चाहेंगे वो सब काम आप इसमें कर सकते हैं। एक बात इस लैपटॉप को लेने से पहले जरूर याद रखिएगा, इसके अंदर आपको अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर इसका स्लो है, प्रोसेसर तो बहुत फास्ट है, लेकिन इसका कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड नहीं है। जिन लोगों को आदत है न्यूमेरिक कीपैड की वो लोग इसे यूज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड ही लगाना पड़ेगा। मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये मार्केट में बट ऑब्वियस होता है कि अगर 15.6 या उससे ऊपर का कोई लैपटॉप है तो उसमें न्यूमेरिक कीपैड होगा ही होगा। 14 इंची के लैपटॉप में न्यूमेरिक कीपैड आपको नहीं मिलता और 16 इंची के में आप एक बार बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि 16 इंची का लैपटॉप है तो न्यूमेरिक कीपैड आपको मिल जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दो काम करते हुए, एक एक्सेल शीट पे काम करते हुए हम लोगों को अधिकतर न्यूमेरिक कीपैड की जरूरत पड़ती है, और अकाउंटिंग वर्क करते हुए, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने अपने डेस्क पे रख के यूज करना है तो आप वहां पे एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपने कैरी करना है, आपने बहुत ज्यादा कैरी करना होता है, आपने ये न्यूमेरिक कीपैड यूज करते हैं तो जरूर सोच समझ के इस लैपटॉप को लीजिएगा। देखिए Ryzen 5 में 7000 प्रोसेसर है, आप ये बात जरूर याद रखिएगा कि आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा गेमिंग करने के लिए या 3D एडिटिंग करने के लिए, 3D मैक्स यूज करने के लिए हमेशा आप ग्राफिक्स कार्ड वाला ही लैपटॉप प्रेफर करें। एटलीस्ट 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड उसमें जरूर होना चाहिए क्योंकि जब आप लंबे टाइम के लिए काम करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हीट होता है और हीट होने के बाद हैंग होने लगता है। ग्राफिक जो हमारा गेमिंग का लैपटॉप होता है ग्राफिक कार्ड के साथ, उसमें एक्स्ट्रा कूलिंग की ऑप्शंस आपको मिलती है जो आपके लैपटॉप को कूल रखती है। दोस्तों बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग मार्केट में आपको ये 65,000 से 70,000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वारंटी देखते हैं तो डेल ने इसको 1 ईयर वारंटी के साथ लॉन्च किया, 1 ईयर ऑन साइट वारंटी है। अगर आप एक्सटेंड कराना चाहें तो आप एक्सटेंड करा सकते हैं। जब आप डेल एक्सक्लूसिव स्टोर पे लेने जाएंगे तो वहां पे एग्जीक्यूटिव से जरूर पूछेगा कि वारंटी कितने में एक्सटेंड हो जाएगी, टाइम टू टाइम ऑफर्स पे डिपेंड करता है। अदरवाइज अगर हम फिक्स कहें तो नॉर्मली 6 से 7 हजार रुपए लगते हैं 2 साल एक्स्ट्रा वारंटी करने के, लेकिन हमेशा डेल ऑफर्स देता रहता है, कभी 1,000 में, कभी 2,000 में, कभी 500 रुपए में, कभी कभी 99 रुपीज में भी डेल वारंटी को एक्सटेंड कर देता है 1 साल से 2 साल में। और हाँ, एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी डेल देता है। जब भी आप जाएं डेल एक्सक्लूसिव स्टोर पे तो आप जरूर पूछिएगा कि एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन का क्या प्राइस है। वो इसलिए बेनिफिट होता है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपको लगता है कि वो लैपटॉप की स्क्रीन को डैमेज कर सकते हैं, लैपटॉप को डैमेज कर सकते हैं, तो ये आप जरूर लीजिएगा ये वारंटी। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये वारंटी हमेशा आप डेल की ही लीजिएगा, कभी भी थर्ड पार्टी आप वारंटी मत लीजिएगा क्योंकि थर्ड पार्टी वारंटी आपको नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो बहुत ही मुश्किल से मिलेगी। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कहीं भी कोई भी आपको लगता हो कि हमें ये पार्ट्स कवर करना चाहिए तो हम कोशिश करेंगे हर चीज को और कवर करने की। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी हम नए नए लैपटॉप्स की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे उसका बैक पैनल आपको ओपन करके भी दिखाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।